हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग फेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी कुरकुरी आलू टिक्की दिल्ली स्टाइल। तो इसमें मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि जिससे हमारे आलू टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बने। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आइए सबसे पहले इसके लिए हम बनाते हैं टिक्की में भरने के लिए फिलिंग। तो उसके लिए मैंने ये एक कटोरी चना दाल ले ली है, जिसको मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया था और करीब 2-3 सीटी लगवा ली थी इसमें। तो आइए पहले इसको तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन ले लिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया इसमें मैंने, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च और ये दाल हम इसमें डाल देंगे। नमक मैंने इसमें उबालने में ही डाल दिया था तो अब डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून और इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून ही डालेंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इसे हमें तब तक भूनना है इसका पानी खत्म हो जाए और ये थोड़ी ड्राई हो जाए, तब तक इसको हमें भूनना है। ये देखिए थोड़ी ड्राई ये हो चुकी है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, तो किसी प्लेट में निकाल लेते हैं जब तक ये ठंडी होगी। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम अपना आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये दाल हमने प्लेट में ट्रांसफर कर ली है और इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, इनको मैंने सुबह ही उबाल दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टिक्की बनानी है, तो मैंने इनको सुबह ही उबाल के रख दिया था। ये करीब 1.5 किलो के करीब आलू हैं। तो अब इनको हमें इनको मैश नहीं करना है, इनको हमें कद्दूकस से ग्रेट करना है। इसको हम इन आलुओं को हम ग्रेट कर लेंगे। इससे कि इसमें गांठें ना रहे। तो ये आलू हमने सारे ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, ये 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। नमक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर आलू जो है वो पानी छोड़ेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी अरारोट। अरारोट जो है 1 किलो आलू में 250 ग्राम के करीब अरारोट पड़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं या फिर आप ताजे ब्रेड को टुकड़े टुकड़े कर मिक्सी में पीस लीजिए और वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं अच्छे से, और या फिर आप आधा अरारोट और आधा ब्रेड क्रम्स भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैं अरारोट डाल रही हूँ, ये 250 ग्राम ही अरारोट है। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितना पड़ जाएगा। यहाँ हमें क्या करना है कि अच्छे से ऐसे नहीं मैश करना है कि बिल्कुल जैसे हम आटा करते हैं वैसे, हमें ऐसे करना है कि आलू के ऊपर अरारोट की जो है कोटिंग हो जाए अच्छे से। तो ये अभी हमारा मिक्सचर जो है थोड़ा गीला लग रहा है, इसमें हम अभी अरारोट और डाल देंगे। जो
ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें ऐसे नहीं करना कि जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल एकदम, वैसा हमें नहीं करना है इन आलुओं को, बस ऐसे ही ड्राई ड्राई से रखना है। ठीक है, तो ये मिक्सचर हमारा जो है बनके तैयार हो चुका है। अब हम अपनी कढ़ाई रख देते हैं, पहले हम हाफ फ्राई करके रख लेंगे सारी टिक्कियों को। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है, पहले हम टिक्कियों को हाफ फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम इसकी टिक्कियाँ बना बना कर, टिक्की की शेप में बना बना कर रख लेते हैं। और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ये देखिए, ये भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश, काजू, बादाम वो भी डाल सकते हैं, या पनीर भी मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, इसमें कुछ नहीं मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें हरी हरी धनिया डाल देती हूँ ऊपर से, खुशबू अच्छी आएगी इससे। तो तब तक मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। पहला नंबर तो ये है कि जैसे आपने ये दाल की स्टफिंग जो बनाई है, आप इसके दाल के अलावा आप मटर की स्टफिंग भी बना सकते हैं, पनीर की स्टफिंग भी बना सकते हैं। और अगर आप जैसे दाल की स्टफिंग ही बना रहे हैं तो दाल गीली हो जाती है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दाल है वो जब हम उसको हम फ्राई करेंगे तो वो अपने आप ही ड्राई हो जाती है। सेकेंड नंबर टिप ये है कि जब हम आलू, अगर हमें टिक्की बनानी है तो हमें पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आलूओं को पहले से बॉईल करके रख लेते हैं तो उनका जो पानी है वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। उससे क्या होगा कि जो टिक्की है हमारी वो अच्छी ड्राई बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी। तो ये हम ऑयल लगा लेते हैं हाथों में, जैसे कि ये चिपके ना, और इसके अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे ऐसे शेप बनाकर। थोड़े से स्टफिंग इसके अंदर रखेंगे और इसको जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं वैसे ही इसको बंद कर देंगे, और इस तरह की शेप बना बना कर हम रख लेंगे। ये देखिए ऐसे टिक्की की शेप बनाकर। तो इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियां बना बना कर रख लेंगे। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ हमने बना के टिक्कियों की शेप में बना कर रख ली है। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमें गैस की फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है और बिल्कुल सिम भी नहीं रखनी है, नॉर्मल मीडियम गैस पर इसको हमें फ्लेम पर हम टिक्कियों को डाल देंगे और इनको पहले हाफ फ्राई कर करके निकाल लेंगे। में नहीं लगाएंगे नहीं तो ये नीचे से फट भी सकती हैं। तो ये देखिए हमने पलट दिए और हमने अब गैस की फ्लेम जो है वो हाई कर दी है और हाई फ्लेम पर इसको इनको हम हाफ फ्राई कर करके निकाल के रख लेंगे। ये देखिए इनमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। और दूसरा बैच डाल देते हैं।
तो ये हमारा सेकंड बैच भी फ्राई होने वाला है। देखिए तो इनको भी अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियां बना के तैयार कर लेंगे। डाल दे रहे हैं। तो ये हमने अपनी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब इनको हम क्रिस्पी करेंगे। तो क्रिस्प करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तवे पर रखेंगे टिक्की को और इसको हम ऐसे दबा देंगे कस के। आपको अच्छे प्रेशर से इसको दबाना है और फिर इनको हमें शैलो फ्राई करना है। अब हमें डीप फ्राई नहीं करना है, कम तेल में इनको हमें फ्राई करना है और इनको क्रिस्प करना है। और ये इसको हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हम अपनी और टिक्कियों को भी कर लेंगे। इसे प्रेस करके और इसको हम इनमें इसमें डालते जाएंगे। तो जितनी एक बार में आ जाएंगे उतनी हम इसमें डाल देंगे इनको। इस तरह से ये अंदर तक क्रिस्प हो जाएंगे। अब इनको हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्प कर लेंगे। ये टिक्कियां जो हमने पहले डाली थी ये अच्छे से क्रिस्प हो गई हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से क्रिस्प हो गई है एकदम। और इनकी जगह हम दूसरी ये हमने पहले से प्रेस कर लिए तो इनको हम डाल देंगे अच्छे से क्रिस्प होने के लिए। तो हमारा ये वाला बैच भी तैयार हो गया। इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो टिक्कियाँ हमारी क्रिस्प हो चुकी हैं। अब बारी है प्लेटिंग करने की। तो आइए अब करते हैं प्लेटिंग। तो ये हमने ये टिक्कियाँ ले ली हैं, इनको हम तोड़ देते हैं। ये देखिए कितनी कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए आवाज़ देखिए इनकी। अब इनके ऊपर हम डालेंगे ये मटर। ये मटर मैंने पहले ही बना ली थी। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें अच्छे से हम मटर डाल देंगे। ये पापड़ी डाल देंगे।
इसमें डालेंगे चटनियाँ, ये हरी चटनी डालते हैं पहले। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी, हरी चटनी और लाल चटनी कैसे तैयार करनी है। इसके बाद हम डालेंगे दही, उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल चटनी, फिर हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा। तो ये देखिए टिक्की चाट हमारी बनके तैयार है। आप भी इसको बनाइए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल कुकिंग फीस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।